Hi guys, it's Priyanka and you're watching Organizeopedia. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में DIY होम डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ, but with a twist. Twist ये है कि आज मैं आपके साथ में सिर्फ 4 DIY होम डेकोर आइडिया शेयर करूंगी, प्लस उनके डिफरेंट स्टाइलिंग टिप्स. एंड एट लास्ट जो हमारा 5th DIY होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूज करके एक सुंदर सा कॉर्नर आपके किसी भी एरिया में डेकोरेट कर सकते हैं. बट ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले प्लीज डू मेक श्योर कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में उसे प्लीज शेयर करिएगा. सो आपको जो भी अपडेट्स हैं डिफरेंट डेकोरेशन और इन सब चीजों से रिलेटेड, उसके लिए आप प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. For this you will need a cardboard in round shape, Fevibond, a pair of scissors, some tassels which I have already made with the help of yarn, and at last you'll need jute string. So सबसे पहले आपको इस तरीके से Fevibond अप्लाई करना है, या किसी भी तरीके का आप एडहेसिव यूज कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस जूट स्ट्रिंग या फिर सुतली को आपको इवनली पूरे कार्डबोर्ड पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है. उसके बाद में एकदम एज पर किनारे किनारे जो हमने टैसल्स बनाए हैं उनको हम एक बार ग्रे एक बार व्हाइट कलर में लगाते जाएंगे. एंड जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मैंने पूरे में टैसल नहीं लगाए, पीछे मैं यहाँ पर एक और सुतली का छोटा सा टुकड़ा ले रही हूँ और उसे इस तरीके से फिक्स कर रही हूँ ताकि एक हैंगर बन पाए. सो वॉल हैंगिंग इज वन ऑफ द वे, आप इसको डिफरेंट वॉल्स पे हैंग कर सकते हैं. So, आप इस तरीके से इस वॉल हैंगिंग के ऊपर सीनरी लगा करके भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं. इसे किसी शेल्फ के ऊपर भी रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. इसके लिए मैंने यूज करा है इस तरीके का एक स्क्वायर वेस. अगर आपके पास ये ग्लास स्क्वायर वेस नहीं है तो जो टेट्रा पैकेजिंग में मिल्क कार्टन या जूस के कार्टन आते हैं, आप उनको हाफ में कट करके भी इस DIY को बना सकते हैं. नेक्स्ट यू विल नीड स्क्यूअर्स या फिर ब्रूमस्टिक्स, फेविबॉन्ड, सिजर और कुछ थ्रेड. सो अब जो मेरे स्क्यूअर्स हैं उनको मेरा जो ग्लास वेस है उसके साइज में मैं कट कर लूंगी. इनको हम एजेस पे लगाएंगे ऑन ऑल दी 4 कॉर्नर्स. आप स्क्यूअर्स नहीं है तो इसकी जगह आप झाड़ू के जो मोटे वाले स्टिक्स होते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि ये जो स्क्यूअर्स थे वो पतले थे इसलिए मैंने 2-2 फिक्स करे हुए हैं ताकि वो देखने में थोड़ा सा यू नो ब्रॉड लगे, बल्की लगे, इस वजह से. अदरवाइज आप अगर कोई मोटी स्टिक यूज करें तो आप एक भी कॉर्नर पे लगा करके उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरीके से सेंटर पे डायगनली भी ये स्टिक्स लगा रही हूँ. इसे एक हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए मैं जूट स्ट्रिंग्स जो हैं वो दोनों साइड पर अटैच करूंगी. क्योंकि मैंने ग्लास वेस यूज करा है तो एक रिस्क है कि ये गिर सकता है, बट अगर आप टेट्रा पैकेजिंग वाले पैकेट्स यूज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको हैंगिंग प्लांटर की तरह भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज इट एज अ हैंगिंग प्लांटर, हैंगिंग कैंडल होल्डर, और यू कैन डायरेक्टली कीप इट ऑन योर शेल्फ एज अ प्लांटर और कैंडल होल्डर. My boat won't take me any other way. For this DIY, you will need handmade chart papers, स्केच पेन्स, सीजर, फेविबॉन्ड और कुछ थ्रेड. सो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेरे पास भी हैंडमेड चार्ट पेपर नहीं था, बट ये जो फाइल फोल्डर है वो हैंडमेड पेपर से ही बना हुआ है. तो बेसिकली हमें कोई भी तरीके का पेपर लेना है जो थिक हो. कार्डबोर्ड आप मत यूज करेगा बिकॉज जो हम बनाना चाह रहे हैं वो इससे बनेगा नहीं. अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये आइडिया मुझे कहाँ से स्ट्राइक हुआ. तो बेसिकली जितना भी एरिया आपके पास है मैंने उस हिसाब से जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ कर लिए और एक स्ट्रिप कट करके रख ली है 3 इंच की. अभी जो स्ट्रिप हमने कट करी थी इसको हम दोनों साइड से हाफ इंच अंदर की तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे. क्योंकि बहुत थिक है पेपर तो मेक श्योर करिए कि आप उसे अच्छे से फोल्ड करें. फिर आपको इस तरीके से उसे रैप करना ताकि एक सर्कल बन पाए. ये हम लैम्पशेड बना रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से ये विजिबल होगा। तो आप जो भी पेंटिंग आपको अच्छी लगे, जैसा भी छोटा बड़ा जैसा भी आपको पेंट करना है, आप वहाँ पर ड्रॉ करके स्केच पेन या फिर एक्रेलिक कलर की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से पेंट कर लें। नाउ आई वॉन्टेड टू टेल यू स्टोरी बिहाइंड दिस लैम्प शेड। सो ये एक मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोर है जहाँ पर मैंने इस लैम्प शेड को देखा था, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। दिस बेसिकली इज़ मेड आउट ऑफ लेदर। तो इसका जो प्राइस है वो है कुछ 2000 या 2500 के आसपास था, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल पेपर से बनाती तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जब हम उसे हैंग करेंगे, इस वजह से मैंने हैंडमेड पेपर लिया है। तो मैंने दोनों साइड जो है वो ड्रॉ कर लिए सिमिलर। अभी जो स्ट्रिप है उसके अक्रॉस ये जो हमने दोनों सर्कल्स कट करे थे और जिसमें हमने पेंट करा है, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से फिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर फेविबॉन्ड लिया है, आप चाहें तो फेविक्विक ये सब यूज़ कर सकते हैं। जब आप फेविबॉन्ड अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर वेट करिए, जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो वो अच्छी तरीके से वहाँ पर फिक्स हो पाएगा, अच्छी तरीके से वो पेस्ट हो पाएगा। अभी जो स्ट्रिप है इसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड करते जाना है और थोड़े थोड़े अंदर से इसके जो कोने हैं उन्हें फोल्ड करिएगा, तभी वो एक प्रॉपर सर्कल का फॉर्म ले पाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कर भी रही हूं यहां पर। सो ये जो दोनों सर्कल्स थे उन्हें आपको इस स्ट्रिप के माने टॉप पर और बॉटम दोनों तरफ अच्छे से फिक्स कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है, बिकॉज हम ऊपर से टॉप साइड से हम उसे 3/4 ओपन रखेंगे, तो आप जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें और कट करने के बाद में फिनिशिंग के लिए जो एक्स्ट्रा एजेस बाहर निकल रही है उनको भी आप फेविबॉन्ड की हेल्प से फिक्स कर लें। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टिक ली है और फेविबॉन्ड की हेल्प से मैं उसको इस तरीके से बीच में फिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी देर इसको 5-10 मिनट्स छोड़ेंगे तो ये अपने आप अच्छे से फिक्स हो जाएगा। फिर जूट थ्रेड या जो भी थ्रेड आपके पास अवेलेबल है उससे इसको टक कर सकते हैं और फिर आप जहाँ भी चाहें इसे हैंग करें। मैंने कर्टन रॉड के कॉर्नर पर इसे हैंग करा हुआ है। मैंने यहाँ पर यूज़ करी है बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स, आप चाहें तो नॉर्मल दिवाली वाली लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ऑन करके रखिए, इट लुक्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। इसलिए मैंने बोला था अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे तो जो लाइट है वो इसमें से नहीं निकलेगी, पेपर है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अगर आप इसे हैंग करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्टली शेल्फ पे भी रख सकते हैं। For this DIY you will need मिट्टी वाला गुल्लक, पेंसिल, स्क्रू ड्राइवर एंड अ हैमर। सो पेंसिल की हेल्प से आपको इस तरीके से एक छोटा सा सर्कल जैसा यहाँ पर ड्रॉ करना है। देन विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर आपको हल्के हल्के हिट्स जो हैं वो इसमें देने हैं और जब एक बार होल हो जाएगा तो ये शेप आप आराम से हैमर की हेल्प से कट कर सकते हैं। सैंड पेपर से इसे अच्छे तरीके से सैंड कर दें ताकि थोड़ी सी और फिनिशिंग आ जाए। अगर सैंड पेपर नहीं है तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, ये देखने में अच्छा लगेगा। देन आपके जो भी मनपसंद कलर हो आप इस पे कलर कर लें। मैंने रेड एक्रिलिक कलर यूज़ करा है, आप चाहें तो ऑयल पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको जो भी पिक्चर या ड्राइंग या कुछ भी इसके ऊपर ड्रॉ करना है आप वो ड्रॉ कर लें ताकि ये देखने में थोड़ा और ज़्यादा सुंदर लगने लगे। ये वाला आइडिया भी मुझे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से स्ट्राइक हुआ था, जैसे कि ये जो पिक्चर मैंने इंसर्ट कर रखी है आप इससे देख भी सकते हैं। दिस बेसिकली इज अ पॉटरी वाला हैंगिंग लैल्टेन जो कि इन्होंने फ्लावर पॉट से बनाया हुआ है। बट मेरे पास एक गुल्लक पड़ा था एंड आई थॉट कि क्यों ना अगर मैं इसके फ्रंट पोर्शन को कुछ सर्कल फॉर्म में कट कर दूं तो ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा। एंड इसमें ऊपर आप जूट स्ट्रिंग ऐड करके इसको हैंगिंग लैल्टेन की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन इवन कीप इट ऑन द शेल्फ। जैसे मैंने बोला इसको हैंगिंग लैल्टेन की तरह यूज कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर जूट स्ट्रिंग अच्छी तरीके से लगा दिया है और इसको आप एक लैल्टेन की तरह भी हैंग कर सकते हैं। Sailing to you, I'm sailing to you. My boat won't take me any other way. I'm sailing to you, sailing to you, I'm sailing. any other way than saying this to say to you, I will never forget. The sky is blue and the air is warm. When I see your smile, it will welcome me home. Sailing to you, I'm sailing to you. My boat won't take me any other way. I'm sailing to you. तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम इन सारे DIYs को यूज करके एक सुंदर सा कॉर्नर डेकोरेट करेंगे। तो ये है वो छोटा सा सुंदर सा कॉर्नर जिसमें हमने इन सारे DIYs और कुछ प्लांट्स की हेल्प से इस कॉर्नर को डेकोरेट करा है। सो ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा सामान होगा तभी हम अपने घर को सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मिनिमम चीजों के साथ में भी बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ में आप किसी भी कॉर्नर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।